नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए आपके समक्ष ऐसे वीडियो प्रस्तुत करता है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों से, हमारी रीति रिवाज पर आधारित होता है। और साथियों, साथ ही साथ हमारे समाज में जो सामाजिक अन्वेषण हुए, सामाजिक खोजों के विषय में, सामाजिक जो हमारे दृष्टिकोण हैं, हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं और उन प्रथाओं के विषय में भी जो हमारे लेखकों ने खोज की है, उस विषय में भी आपके समक्ष वीडियो बना के प्रस्तुत करने का काम करता है। इसी संदर्भ में आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। शीर्षक है वैश्य शूद्र की मानसिक दासता, यानी हमारा जो वैश्य समाज है और बहुजन, जिसे बोलेंगे हम यूं कह सकते हैं कि बहुजन समाज है, यह आखिर इसकी मानसिक दासता का कारण क्या है। तो साथियों, आज मैं बताऊंगा इसमें मानसिक दासता के वो 10 कारण जो आपको हतप्रभ कर देंगे कि ये मानसिक दासता आखिर आई कैसे, ये मानसिक दासता आखिर इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। इस बारे में आपको मैं बताऊंगा और मैं पुस्तक वही लेके आया हूं जो सीरीज चल रही है हमारी, हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। लेखक है रजनीकांत शास्त्री जी। तो साथियों, एक बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हम जिस प्रकार से धार्मिक पाखंडों में डाले गए हैं, उसी तरह उन्हीं धार्मिक पाखंडों से उबर सकते हैं। केवल उन धार्मिक पाखंडों पर सवाल करके, उनकी प्रासंगिकता पर बात करके। जब तक हम उसकी प्रासंगिकता पर बात नहीं करेंगे, लोग आगे आगे ले जाके उलझाएंगे। अभी आप सभी ने देखा राधा और कृष्ण के बारे में प्रदीप मिश्रा को कैसे सभी ने घेरा। तो जब सच की बात आएगी तो सभी घेरे जाएंगे और सभी के जो रहस्य हैं वो अपने आप खुलते जाएंगे। लेकिन हम आज बात करेंगे पुस्तक की, तो पुस्तक के अंशों की ओर आपको मैं ले चलता हूँ। साथियों, शासक वर्ग की वैश्यों और शूद्रों के प्रति यह कूटनीति यहीं खत्म नहीं हुई। पहले तो शासकों ने वैश्यों और शूद्रों को कानून के शिकंजे में खूब कसकर जकड़ा, जिसमें वे उनके विरुद्ध अपना हाथ पैर न हिला सके। उनकी नाक में उन्होंने कानून की ऐसी मजबूत नकेल पहनाई कि वे बेचारे मूक पशुओं की तरह उनके इशारे पर बिना इधर उधर ताके व कुछ भी ची चपड़ किए उनके निर्धारित मार्ग पर चलने लगे। अब पर कानून का कब्जा केवल शरीर पर होता है, मन पर नहीं। फिर अतः बाद में इन शासकों को भय हुआ कि कहीं भविष्य में कानून का शिकंजा ढीला पड़ा तो संभव है कि एक ना एक दिन उनके काले कारनामों की पोल खुल जाएगी और उनके अत्याचारों के ये शिकार उनके विरुद्ध उठ खड़े होंगे। अतः वे उनकी अंतर आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर उन्हें मानसिक दासता की बेड़ी में कसने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे धूर्तापूर्ण उपदेश देने लगे। क्या उपदेश देने लगे? श्रेयान स्वधर्मो विगुण धर्म धर्मात् स्वनिष्ठातात् सुधमे निधनम श्रेय प्रधमो भयावह। गीता 3:35। अपना धर्म गुणहीन भी हो वही अच्छा। क्या? अपना धर्म गुणहीन भी हो तो वही अच्छा, बड़ी बढ़िया बात है। और किंतु दूसरे का धर्म सुचारू रूप से संपादित होने पर भी अच्छा नहीं, अपने धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरे का धर्म खतरे से भरा है। अब भय यहीं पर आपको रोक लेगा। अब आप सभी समझ चुके हैं कि यह कैसे दूसरे धर्मों के लिए डराते हैं, आपको भयभीत करते हैं कि आपका धर्म खराब भी हो तब भी वो बहुत अच्छा है। दूसरे धर्मों में खतरे भरे पड़े हैं, क्या दूसरे धर्मों में मानव नहीं रह रहे? तो इन सब चीज़ों को भी समझना होगा, इनकी गूढ़ता को। तो आगे चलते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि चमार का लड़का दैयोग से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अध्यापक का काम
खूब ठिकाने के साथ कर सकता हो तो भी उसे वह ना करे। अब आप यहाँ पे समझिए, यानी ये देखिए ये पुस्तक की भाषा है। यहाँ पे कुछ साथियों को जैसे चमार शब्द बोलने से या सुनने से आपत्ति होती है, तो यहाँ पर केवल ये मेरी इस शब्द को बोलने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक में दिया गया है तो इसे हम सांकेतिक रूप से समझने का काम कर सकते हैं। तो जैसे वह पढ़ता है तो वह पढ़ने का काम ना करे, क्योंकि उसकी उसका धर्म है कि अब उसके धर्म में पढ़ना लिखना नहीं है तो उसके नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा उसे समझना चाहिए। ऐसा करने से उसका कल्याण नहीं हो सकता। संभोग का उदाहरण ले लीजिए, क्योंकि जो छोटी जाति है जिसे हम चमार बोलते हैं, और भी जातियाँ इसमें बहुत सारी कबर्ड होती हैं, कोई एक जाति नहीं है चमार, अन्य साथी मतलब जब कई जातियों का एक बंच है, तो इनका सब इन सबको पढ़ने का अधिकार नहीं हो सकता। क्या संभोग पिछड़ा भी हो सकता है? जरूरी नहीं कि वो उसी जाति से बिलोंग करता हो, उसी जाति से संबंधित हो, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि वह उसी जाति से था। तो यहाँ पे देखिए शंभू का उदाहरण, जिसका गला रामचंद्र ने इस कारण काट डाला कि वह शूद्र होकर तपस्या करता था, इस बात की चेतावनी दे रहा है कि उस चमार बालक का तो कल्याण इसी में है कि वह जूता सीते सीते मर जाए, भले ही जूता सीने का काम उसके योग्य ना हो। स्वधमे निधनम श्रेहा से यह ध्वनि भी निकलती है कि अपने कर्म करते रहने से ही मरने पर सदगति मिलती है, दूसरे का कर्म करने से तो सीधे नरक की यात्रा करनी पड़ती है। तो आज जो ये सब नरक की यात्रा करनी पड़ती है दूसरे के कर्म कर रहे हैं, यानी आज ब्राह्मण सारे नौकरी कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले कौन लोग होते हैं? शूद्र लोग होते हैं। जो दूसरे के यहाँ नौकरी करे उसे शूद्र कहते हैं। तो आज ये शूद्र जब नौकरी कर रहे हैं तो ये क्या प्राप्त होंगे? इनकी ये अपनी सदगति को प्राप्त होंगे? नहीं, ये अपनी सदगति को अपने धर्म के अनुसार नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन इनको सच्चाई मालूम है कि आखिर सच क्या है। तो जिसे सच्चाई मालूम हो जाती है वह तो अपना लगा हुआ है कमाने में, अपने कर्म को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, धर्म को अलमारी पर रखा हुआ है, उनको शिक्षा और दीक्षा देने का काम सौंपा गया था, लेकिन आज जाके बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्यों? पेट पालना है। धर्म जो है पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि धर्म तो कुछ लोगों का पेट भर रहा है, गिनती के लोग हैं वो, लेकिन और भी तो जो जनसंख्या बढ़ा ली है, तो जब जनसंख्या बढ़ाई है तो कैसे उनका जीवन यापन होगा? तो उसके लिए उन्होंने नौकरी की, नौकरी करते ही वो शूद्र हो गए, लेकिन फिर भी वह अपने आप को उस जाति में बताते हैं, श्रेष्ठ जाति में बताते हैं, पैदा हैं। क्यों? क्योंकि पहले था वर्ण, जब वर्ण व्यवस्था थी तो वह तीन प्रक्रिया से गुजरी है। पहला रंग के आधार पर, तो रंग के आधार पर पहले गोरे गोरे जितने थे छट गए, सब ब्राह्मण बन गए। फिर गुण के हिसाब से आया, गुण ले आते हैं, फिर कर्म के हिसाब से ले आते हैं, जब ये सब भी थक गए तो जन्म के हिसाब से ले आए, समझ गए कि खेला गड़बड़ है, ये रंग गुण कर्म ये किसी काम का है नहीं, फिर ले आए वो कि जो जिस जा मतलब जहाँ पैदा है वो उसी जाति का होगा, यही फिर फुल स्टॉप लगा दिया, इसके बाद बदलना छोड़ दिया। आइए आगे चलते हैं। चाहे भले ही कोई परम धर्म कारक अपने जीवन काल में किसी तरह राजा के दंड से बच भी जाए, आश्चर्य है कि श्री कृष्ण स्वयं क्षत्रिय होते हुए भी ज्ञानोपदेश जो ब्राह्मण का धर्म है करके अपने ही कथन के प्रतिकूल जा रहे थे। तो यहीं पर वही बातें मैं समझा बता रहा था आपको कि कैसे वर्ण व्यवस्था में जो निर्धारित था उससे अलग जाने के बाद अपने धर्म से च्युत माना जाएगा, वो उस धर्म का नहीं माना जाएगा कि वो अपने धर्म के खिलाफ जा रहा है। इस तरह श्री कृष्ण ने भी किया। इस प्रकार वैश्य शूद्र जो राजदंडादि का लौकिक भय दिखाकर उनकी शारीरिक तथा नरक आदि का पारलौकिक भय तथा स्वर्ग आदि का पारलौकिक प्रलोभन दिखाकर उनकी मानसिक दास्था स्थिर की गई, यह तो हुआ शासक वर्ग का शासित वर्ग की दास्था प्राप्त करने का पहला हथकंडा, जिसका अनुमोदन महर्षि अत्रि भी करते हैं। तो महर्षि अत्रि के बारे में तो आप सभी जानते हैं। महर्षि अत्रि कौन है? वही जो यादवों के पिता थे, यानी यदुवंशियों के पिता बताए गए हैं तथा कथित, क्योंकि अत्रि का बेटा चंद्रमा और चंद्रमा के बाद
बुद्ध, बुद्ध के बाद नहुष, नहुष के बाद यदु, ऐसे ही पूरी परंपरा जो दिखाई गई है इनके बीच में कि ऐसे चली आई है। तो अत्रि वही हुए जो यदुवंश के थे, लेकिन मेरे अनुसार नहीं थे, क्योंकि ये पूरी पूरी तरह गप कहानी लिखी गई है। तो साथियों ये क्या लिख रहे हैं, तो संस्कृत का थोड़ा श्लोक लंबा है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको सीधा अर्थ पे ले चलता हूँ। अत्रि स्मृति में लिखा गया है अर्थ, जो अपने धर्म से हटकर दूसरे के धर्म में स्थित होते हैं उन्हें दंड देने वाला राजा स्वर्ग में बढ़ाई पाता है। यानी अगर कोई अपने धर्म से परेशान है, तंग है, दुखी है, तो वह धर्म बदलना चाहता है, तो यहाँ वो राजा को डरा रहा है। कौन? अत्रि कह रहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को जिसने धर्म बदला है उसको दंड देने का अधिकार राजा को होए, वह दंड दे, और अगर वो दंड देता है तो स्वर्ग में वह बढ़ाई पाता है। खाली बढ़ाई के लिए वो बेचारे को यहाँ पर किसी को दंड दे दे। देखिए कैसे ललकार रहे हैं, कैसे उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे में अपना काम करवाना। अपने धर्म का पालन करता हुआ शूद्र भी स्वर्ग को प्राप्त होता है, दूसरे का धर्म सुंदर पराई स्त्री की तरह त्याज्य है। अब ये देखिए यहाँ पर उदाहरण भी इनका बड़ा भयंकर है, कैसे ये उदाहरण देते हैं। अब दूसरे हथकंडे का हाल सुनिए। हमारे शासकों ने पहले तो वैश्य शूद्र को यह समझाया कि भाई परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो कर्म निर्धारित कर दिए हैं उन्हीं का दत्त चित्त होकर करने से तुम्हारी सदगति होगी, अन्यथा नहीं। जो पूर्वजों ने निर्धारित कर दिया है, परमात्मा ने निर्धारित कर दिया है, वही आप करोगे और दूसरा करोगे तुम्हारे लिए बहुत गड़बड़ है, तुम्हारा ही विनाश होगा। और कहीं तुमने दूसरे का कर्म करने के लिए साहस किया तो अवश्य ही तुम्हारे लिए नरक भोग निश्चित है। पर इतना ही भुलावा उन्होंने काफ़ी नहीं समझा, उन्होंने इसकी त्रुटि पूरी करने तथा बुद्धू वैश्य शूद्रों को अपने भाग्य पर संतुष्ट रखने के लिए इन्हें जन्म जन्मांतर बाद नामक एक दूसरा ढकोसला पूर्ण कुपाठ पढ़ाया और उन्हें समझाया कि भाई जो जैसा पूर्व जन्म में करता है वह वैसा ही पर जन्म में पाता है। यदि पूर्व जन्म में तुम अच्छे कर्म किए होते तो अवश्य ही ब्राह्मण क्षत्रिय के घर जन्म पाए होते। अतः तुम्हें अपने भाग्य पर संतुष्ट रहकर अपना कर्म करते रहना चाहिए, तुम्हारा इसी में कल्याण है, ये तुम्हारी सदगति इसी में होगी। ऐसा ये लोग कहकर आपको माया जाल के नेट में फंसा कर आपको जकड़ लेते हैं, आपकी बुद्धि विवेक खुल नहीं पाता है कि आप कैसे इनसे मुक्त हों। ब्राह्मणी विधान का यह जहरीला तीर अचूक सिद्ध हुआ और वैश्य तथा शूद्र दोनों ही अपने ब्राह्मण क्षत्रिय महाप्रभुओं के मन वचन कर्म तथा अर्थात सर्व भाव से गुलाम बन गए। इन कठमूल्यों को इतना भी समझ में ना आया कि उन्हें बिना पैसे खर्च किए ही अर्थात मुफ्त में गुलाम बनाने वाला ना कोई चातुर वर्ण व्यवस्थापक परमात्मा ही है, जिसने जन्मतः जन्म वर्ण और तत्सव संबंधी कर्म निर्धारित कर दिए हैं, और ना कोई पूर्व जन्मकृत कर्म ही है जिसका कुफल वे भोग रहे हैं, बल्कि उनको इस गर्त में ढकेलने वाले उनके अग्रसर पर स्वार्थपूर्ण देश भाई ही हैं। उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें वर्ण व्यवस्था के महाजाल में फंसा रखा है। फिर उन्होंने जो ये महाजाल है, जो उनका नेट बना हुआ, मैंने बताया था उसी नेट में फंसा रखा है, वो नेट से निकलना आसान नहीं है। चारों तरफ से इन्होंने ऐसा बुन के रखा है कि आप जैसे ही सटकते हो आपके जो भावनाएं हैं उनको इनडायरेक्ट वे में ऐसा ये शब्दों का जाल बुन देते हैं कि आप भाग कर फिर उन्हीं के चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर आगे चलते हैं, मानसिक दास्ता की इस कठोर चक्की में पुस्त दर पुस्त पिसने चले आने के कारण वैश्य शूद्र की आत्मा इतनी पद्दलित हो गई है कि जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय जन्म से ही निर्भीक साहसी और उच्च माने होते हैं, वहाँ जन्म से ही वैश्य शूद्र आज भी ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में रहते हुए भी स्वभावतः डरपोक, निस्साहस, नीच और मन्य होते हैं। इनकी ऐसी पतित मनोवृत्ति इनको चिरकाल तक अबाध रूप से विभिन्न कुसंस्कारों में रखकर जबरदस्ती सड़ाए जाने का फल है। ये अपने मनुष्यत्व को भूल गए हैं और इन्हें अपने मानवोचित अधिकारों का ज्ञान तक नहीं है।
ये प्रायः यही कहकर संतोष कर लिया करते हैं कि भाई हमारी यह हीन अवस्था हमारे पूर्व जन्मों का फल है और भगवान ने हमें ऐसा ही बना दिया है, तो दूसरों का इसमें क्या कसूर, इन विचारों को क्या मालूम कि इन्हें इस रसातल में ढकेलने वाला वास्तविक भगवान कौन है, वास्तविक व्यक्ति कौन है। ब्राह्मणी विधान के समर्थक हमारे कितने भाई ये कहा करते हैं कि वैश्य शूद्रों के विरुद्ध जो कठोर कानून बनाए गए हैं वह सिर्फ ग्रंथों में ही लिखे हुए केवल मृताक्षरों यानी डेड लेटर्स की तरह ही हैं, वे कभी अमल में नहीं लाए गए। क्या मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी छलने वाले ऐसे महानुभावों से पूछ सकता हूँ कि तथा कथित आदर्श राजा रामचंद्र के हाथ में संभोग का तथा श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथ में रोमहर्षण सूत का और वध किया जाना एक एवं आचार्य द्रोण का छल करके एक लव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लेना निरसंस तथा स्वार्थपूर्ण उक्त कठोर नियमों का अमल में लाया जाना चाहिए, जाना नहीं है। रामचंद्र और बलराम दोनों ही हिंदू विश्वासानुसार ईश्वरावतार हैं। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों ने ब्राह्मणी माया के फेर में पड़कर न्याय अन्याय का कुछ भी विचार नहीं किया तो साधारण शासकगण क्या विचार करते होंगे। यह बड़ी ही समझने वाली बात है, लेखक ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात लिख दी है। तो यहाँ पर कोई रामचंद्र जैसे संभोग के गले पर तलवार का वार करते समय इस बात को भूल गए कि उनके कुल में गुरु महर्षि वशिष्ठ जिनके पवित्र चरण रेणुए सदा अपने सिर का धारण किया था एक वेश्या के पुत्र थे, जिन्होंने केवल तपस्या के बल पर ही ब्रह्म पद को प्राप्त किया था, पर इस पर उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कभी आपत्ति नहीं की थी। वशिष्ठ को किसी प्रकार का दंड देना तो दूर रहा, यदि शूद्र को तप का अधिकार नहीं था है तो वैश्या पुत्र को कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर यही बातें समझाने वाली हैं और समझने वाली हैं कि कैसे हमें मानसिक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा गया है और हम इन मानसिक दास्ता की बेड़ियों से आज भी उबर नहीं पा रहे हैं। हम जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हम समझते हैं, हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। और हम समझना क्यों नहीं चाहते, यही बात सवाल उठता है हमारे सामने। हम धर्म के नाम पर भयभीत हो जाते, ईश्वर के नाम पर भयभीत हो जाते, लेकिन आप इस विषय में सोचिए, हम भयभीत तो ईश्वर के नाम पर हो रहे हैं लेकिन हमारे साथ उस भयभीत होने पर जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्टों का अध्ययन करना है कि जिस विषय में हमें बताया गया है कि ऐसा करने से ईश्वर या हमारा धर्म हानि होती है या हमारा धर्म में लोग नाराज होते हैं, उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। जैसे हमें कहा गया है कि आप अपने कर्म करिए नहीं तो ये धर्म का हानि होगी, ये नुकसान होगा, आप सदगति को नहीं प्राप्त होंगे। अब आप वहीं पर धर्म के नाम पर तो डर भयभीत तो हो गए, लेकिन इसमें बेनिफिट किसका है, यानी आपको डरा डरा कर सारे कर्म आपके कौन छीनता गया। अब इसका अध्ययन करिए आप, क्या ब्राह्मण का काम न्याय करना था, क्या ब्राह्मण का काम सफाई करना था। आज वह उत्तर प्रदेश भर में पता नहीं कितने ब्राह्मण सफाई कर्मचारी हैं, तो क्या इनका काम सफाई करना था, क्या इन्होंने छोड़ा कि यह हमारा कर्म नहीं है। नहीं, आज फौज में कितने ब्राह्मण ड्यूटी कर रहे हैं और कितने बेचारे रोज सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं, क्या इनका कर्म ये सुरक्षा करना था। तो आज ये अपनी सदगति को न डर, धर्म की हानि को से भयभीत ना हो, ये सारे कार्यों में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, समय समय पर न्यूज भी आती रहती है, राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र करने में, अभी जो नीट की परीक्षा हुई है उस नीट की परीक्षा में आप देखिए जितने भी अपराधी हैं वो किस जाति विशेष के हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, इन्हें तनिक भी भय ना लगा कि क्या मेरा ये काम है, मुझे तो शिक्षा में सहयोग करना चाहिए, भले ही मेरा बलिदान हो जाए, क्योंकि त्याग का काम था ब्राह्मण का, तो क्या यहां ब्राह्मण ने वो त्याग किया शिक्षा के लिए, नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। कहां से धनार्जन होगा,
उसके लिए भले ही धर्म की बलि देनी पड़े वो देंगे, लेकिन धर्म के लिए डरेगा कौन? डरेंगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि ये बेचारे इन्हीं धर्मों की वजह से डराए गए हैं और यहीं से डरकर ये सारे काम बंद कर दिए बेचारे, ये सीधा सीधा चलने लगे कि नहीं ये हमारे लिए गलत है, और आज भी समझते हैं और हमेशा समझते रहे हैं। फिर क्या हुआ इनके साथ? इनके सारे के सारे कार्य, क्षत्रिय के सारे कार्य छीन लिए गए, और फिर वैश्यों के काम भी छीनने लगे, शूद्रों के तो सारे छीन गए। यही बात समझनी है कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो उसी मार्ग पर फिर वापस आ जाओ, शिक्षा देने का काम उन्हीं के जिम्मे कर लो, और कोई बात नहीं हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन अब इसमें भी उन्हें संतोष नहीं है। जैसे पूजा का पाठ का सारा आरक्षण उनका पूरा पैक होना चाहिए, और इधर अगर नौकरियों में जो शूद्रों का अपना है उसमें आरक्षण है कि शूद्रों को मिलना चाहिए, उनको आरक्षण के नाम पर बड़ी तकलीफ है। वे काशी मथुरा अयोध्या उज्जैन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसमें कोई और जाएगा तो उसे आने नहीं देंगे, यानी वो आरक्षण पैक्ट है। और दूसरी तरफ जिनका अधिकार है नौकरी करना, उनके आरक्षण पर उनको तकलीफ है, इतनी दिक्कत है कि पूछिए मत। तो यही बातें हमें समझनी चाहिए कि हमारा धर्म जो है ये नहीं है, हमारा धर्म है केवल हमें शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को उन्नत और विकासशील बनाना और अपने राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ाना। तो साथियों यहीं पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, और आपसे यही एक अपेक्षा करूंगा कि यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और जो नए साथी हमारे यहाँ तक देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, जिससे आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।